नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग को क्रोशेट श्रोता चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस तरह का फ्लावर किचन डिजाइन लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप किचन में यूज करें या झालर में भी लगा करके इसे घंटी के रूप में यूज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स, और ये बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। 10 चेन लेंगे, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 चेन लेकर के, और ये 1 और 2 चेन छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, इसमें भी डबल क्रोशिया। अभी 2 चेन बच गया फ्रेंड्स, ये 2 चेन में एक में हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, और लास्ट वाला में सिंगल क्रोशिया। और मैजिक रिंग के बीच में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से 10 चेन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टेन चेन लेने के बाद 2 चेन को छोड़ेंगे, थर्ड वाला चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बना दिए। अभी इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में सिंगल क्रोशिया, सॉरी लास्ट में सिंगल क्रोशिया, और मैजिक रिंग में स्लिप स्टिच। फिर इसी तरह से 10 चेन लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चेन लेने के बाद 1, 2 छोड़ करके थर्ड वाला चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यह 6 पेटल तैयार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लिप स्टिच कर दिए। इसके बाद इस मैजिक रिंग को खींच देंगे इस तरह से, और 1 चेन लेते हुए इसको कट कर देंगे। इस तरह से तैयार हो गया। इस धागा को पीछे की तरफ से इसको सेट कर देंगे, इसी में
इस तरह से करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हो गया, और इसके बाद यहाँ पर डाल करके इस तरह से डाल करके ये जो नॉट लगाए हैं इस तरह से खींच देंगे, और इसको इस तरह से नॉट लगा देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स ये जो डबल चेन जो दिख रहा है, एक बैक साइड से लेते हुए एक इधर से लेंगे और एक इसका इधर से लेंगे। ये दोनों में डालते हुए इस तरह से निकालेंगे और इसको सिंगल कुशा से इसको लॉक कर देंगे। फिर फ्रेंड्स इस तरह से डालेंगे इधर से और एक इधर से डालेंगे, इधर से करेंगे इधर से बैक लूप से। फिर नेक्स्ट इसमें डालेंगे लास्ट में एक इधर लास्ट में ये जो गैप है फ्रेंड्स इसमें इससे सॉरी यहाँ से डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। वन टू थ्री फोर और फाइव। इसके बाद टू चेन लेंगे और इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद इसको कट कर देंगे। अब ये दूसरा बार इसको डालेंगे इस तरह से, नेक्स्ट में दूसरा कलर लगा देंगे इस तरह से लॉक कर देंगे। ये जो पहला वाला जो चेन है एक इधर से लेंगे, ये दोनों में इस तरह से डालते हुए और एक इधर से लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा शुरू में फ्रेंड्स लगता है इस तरह से। नेक्स्ट में डालेंगे नेक्स्ट चेन में और इधर से भी नेक्स्ट चेन में इधर से निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट
फिर ये जो बीच का जो गैप दिख रहा है इसमें डाल करके एक इसमें डाल दें, इसके साथ में इसको भी ले लेंगे, दबा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा है। और इसमें 5 डबल क्रोशिया बना देंगे। वन टू थ्री फोर अरे 5, 2 चेन लेंगे और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेकर के इसको कट कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इसको रिपीट करेंगे। अब इस पर पिंक कलर लगाएंगे करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट को ज्वाइंट करना है फ्रेंड्स। इसी तरह से इसको भी जैसे सभी को ज्वाइंट किए हैं उसी तरह से इसको भी ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से निकालते हुए फिर सेकंड चेन में डालेंगे, इधर से भी सेकंड चेन में। इसी तरह से यहाँ तक लाके कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में एक इसमें डालेंगे और एक ये जो गैप दिख रहा है इसमें डालेंगे। इस तरह से बनाएंगे और इसको लेते हुए इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गया, 3, 4, 5, 2 चेन लेंगे, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेते हुए तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। इसके आगे का बना के दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स 1, 2 चेन लेंगे, थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से पफ बना देंगे। 2, 3 फिर 2 चेन लेंगे और इसको इस तरह से पफ बना देंगे। इस तरह से इसके बाद इसको भी लेते हुए 20 चेन बनाएंगे। 20 चेन बना के दिखाते हैं फिर। इस तरह से 20 चेन बन गया। इसके बाद थोड़ा सा लंबा लूप करके सेकंड वाले चेन में डाल करके 1, 3 फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में डाल करके एक और बना देंगे। 2, 3 फिर इस तरह से डाल करके इसको कट कर देंगे। यह इस तरह से तैयार होगी फ्रेंड्स।
दिखाते हैं। फिर इस तरह से करके फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट लगा देंगे। और 15 चैन लेंगे, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से 15 चैन लेके दिखाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स बना लिए और इसको लेते हुए इसको कट कर देंगे। और इसको यहाँ से डालते हुए ये दोनों को खींच देंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स इस तरह से यह आ गया और इसको इस तरह से बीच में डाल करके और इसको लॉक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यह इस तरह से रेडी हो गया। फ्रेंड्स अगर फ्लावर की चेन डिजाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा डिजाइन आपको कैसा लगा।